नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी और सत्यमेव जयते में आज बारी है एक और सत्य आपके सामने रखने की, जो बड़े दिनों से आपके सामने परोसा जा रहा था। केंद्र मंत्री आपके सामने कहते आ रहे थे, लेकिन जब उनसे एक आरटीआई के जरिए एनडीटीवी ने पूछा तो आपको पता है क्या कहते हैं? इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो जो बातें मंत्री आपके सामने परोस रहे थे खूब सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स नंबर्स के साथ, उसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास है ही नहीं, मंत्रालय के पास है ही नहीं। तो यही सबसे अच्छा तरीका है आज की डेट में, जब आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, जब कोई आपको इंटरव्यू करके जवाब नहीं देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब नहीं देता है, और आपके सामने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भी हैं तो धड़ल्ले से कई सारे फिगर्स आपके सामने रख दिए जाते हैं, ना आप चेक करते हैं ना हम चेक करते हैं, तो फिर क्या होता है? आप उन पर विश्वास कर लेते हैं और उसी नैरेटिव को आप फैलाने में उनकी मदद करते हैं। इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता। और जब आरटीआई फाइल की जाती है, सबसे अच्छा तरीका आरटीआई फाइल करो, आप भी कर सकते हैं, आरटीआई फाइल करो, सवाल पूछो, उसका जवाब लो और फिर खुश रहो कि जी सरकार ने जो बात आपको कही वो सही कही कि नहीं कही। यही होती है पत्रकारिता। सबसे पहले शक कीजिए कि जो आपके सामने बात परोसी जा रही है वो सच है भी कि नहीं। और ये देखिए, किसानों के साथ इस कानून को लाने से पहले बहुत तरह की चर्चा की गई थी। ये बात आपको किस किसने कही थी, जरा ये आवाजें पहचान लीजिए। सबसे पहले कृषि सुधार कानून पर देश में लंबे समय से चर्चा हो रही थी, अनेक आयोग बने, उन आयोगों ने पूरे देश भर में मशवरा किया, फिर मुख्यमंत्रीगण मंत्रीगण मॉडल एक्ट प्लानिंग कमीशन नीति आयोग सब ने एक लंबी एक्सरसाइज इन बिलों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से की। पहचाना, आजकल तो सब इनको पहचान पा रहे हैं सिर्फ आवाज से भी। कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने फेसबुक लाइव करके ये बात कही थी आपके सामने कि हमने तो स्टेक होल्डर्स के साथ बात की है, कहा था कि लंबे समय से चर्चा हो रही थी। अब एक और आवाज सुनिए, इनको तो बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे आप। ये केबीसी क्वेश्चन हो गया। हमारे सचिव हैं कृषि विभाग के, उन्होंने 29 किसान के यूनियन से बात किया, उसके बाद जून में 708 वेबिनार की मीटिंग हुई जिसमें 21,231 फार्मर आए थे, जुलाई 2020 में 873 वेबिनार मीटिंग हुई जिसमें 26,196 फार्मर्स आए। कितने वेबिनार? 873 वेबिनार और पता नहीं कितने, एक सेकंड, कम अगेन। कृषि विभाग के उन्होंने 29 किसान के यूनियन से बात किया, उसके बाद जून में 708 वेबिनार की मीटिंग हुई जिसमें 21,231 फार्मर आए थे, जुलाई 2020 में 873 वेबिनार मीटिंग हुई जिसमें 26,196 फार्मर्स आए थे। इन्होंने बताया क्या कहा, जून से लेकर अब तक कई तरह की बातचीत हो चुकी है, 1,37,000 वेबिनार हुए हैं और ट्रेनिंग्स हुई हैं जिसमें 92,42,000 किसानों ने पार्टिसिपेट किया। और आरटीआई एनडीटीवी ने जब डाली और सवाल पूछा कि जरा उनके नाम बता दीजिए, उनकी डिटेल दे दीजिए, कहां पर आप लोगों ने इनके साथ कंसल्टेशन की थी और इस पूरी मीटिंग के मिनट्स हमको दे दीजिए, तो पता है आपका जवाब क्या आया? जी हाँ, यही कृषि मंत्रालय की तरफ से, वी हैव नो रिकॉर्ड ऑफ सच मीटिंग्स, सो दिस आरटीआई स्टैंड्स कैंसल्ड नाउ। वाओ, व्हाट एन आंसर। 22 दिसंबर को रिस्पॉन्स आया है सीपीआईओ का कि गवर्नमेंट डज नॉट होल्ड एनी रिकॉर्ड इन दिस मैटर एंड दैट द रिक्वेस्ट हैज बीन क्लोज्ड। कोई रिकॉर्ड ही नहीं हमारे पास। और आपको याद है गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से क्या आपके लिए स्पेशली इस भ्रम, जी हाँ कोर्ट्स में भ्रम, इस भ्रम को दूर करने के लिए कहा गया था कि जी आप लोगों को लग रहा है कि हम लोगों ने बातचीत नहीं की। ये देखिए, आज हम आपका भ्रम दूर करते हैं। गवर्नमेंट सोर्सेज ने आपके लिए एक नोट रखा जिसमें क्या लिखा था वो बैच में बता देती हूं। फीडबैक वॉज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फ्यू प्रोग्रेसिव फार्मर्स एंड नॉलेजेबल मंडी ऑफिशियल्स। देयर वर मल्टीपल मीटिंग्स विद FPOs, यानी फार्मर प्रोडक्ट यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेज। द मिनिस्ट्री ऑल्सो कंसल्टेड अ प्रोमिनेंट फार्मर्स यूनियन एंड Even did a change in the ordinance after feedback. इन्होंने तो ऑर्डिनेंस में बदलाव भी कर दिए उन लोगों से बातचीत करके जो है ही नहीं। आप सच मान रहे थे? अरे बाप रे, पर ये खबर आपके पास होगी नहीं, ये मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि आरटीआई फाइल करने जैसा
जैसी हिम्मत तो सिर्फ कुछ ही पत्रकारों में और कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस में बची है, और ऐसी कोई बड़ी चीज़ करनी भी नहीं थी इसमें। ये पत्रकारिता का बेसिक धर्म है, बेसिक, दिस इज कॉल्ड बेसिक जर्नलिज्म। इसमें कोई बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़े NDTV ने, या मैंने भी कोई झंडे नहीं गाड़े आपके सामने इसको परोसने में। ये सिर्फ बेसिक जर्नलिज्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एथिक्स, मोरालिटी, अपनी जर्नलिज्म की डेफिनेशन को आज तक याद रखना, और साथ ही थोड़ी बहुत हिम्मत आप कह सकते हैं आज के समय पे आपके सामने रखने के लिए होनी चाहिए। तो देखिए, NDTV ने सवाल क्या पूछा था, क्या कंसल्टेशन हुई, डिटेल्स दीजिए, डेट बता दीजिए, चलिए उन फार्मर रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम ही बता दीजिए जिन्होंने अटेंड किया था, अच्छा उन ग्रुप्स टू विच दे आर अफिलिएटेड उनकी डिटेल हमें दे दीजिए, बाकी लोग जो अटेंड कर रहे थे मीटिंग उनकी डिटेल दे दीजिए, और अगर हो सके तो इस पूरी मीटिंग की मिनट्स की एक कॉपी दे दीजिए। आंसर क्या आया, गवर्नमेंट डज नॉट होल्ड एनी रिकॉर्ड इन दिस मैटर। आई रिपीट, गवर्नमेंट डज नॉट होल्ड एनी रिकॉर्ड इन दिस मैटर, मतलब कोई मीटिंग का रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी मीटिंग हो सकती है सरकारी जिसका कोई रिकॉर्ड ही ना हो? होता है ऐसा कभी? कभी होता है ऐसा, सरकारी काम कैसे होते हैं तो आपको भी पता है ना, हर चीज़ की, हर चीज़ की, आपसे एक पेपर भी मंगाया है ना, आपसे एक पेन भी खरीदा है, वो भी पेपर पे होता है, लिखा हुआ होता है किस तारीख को कितने का खरीदा गया। तो हो ही नहीं सकता कि अगर आपने स्टेक होल्डर्स कौन है उनका भी उन्होंने सवाल पूछा, भैया फार्मर्स के अलावा भी और कौन कौन अटेंडीज है वही बता दीजिए हमें, उसका भी जवाब नहीं है। और आपको याद होगा कि शुरुआत में आपको क्या बताया गया था, December 3, 2020 को प्रिंट को जवाब देते हुए कि जी वाजपेयी जी के समय से ही हम तो बातचीत करते आ रहे हैं लोगों से। 4 दिसंबर को जब ये बातचीत चल रही थी तब ये बोला गया था गवर्नमेंट की तरफ से, निर्मला सीतारमण ने कहा था फार्म लॉज आर नॉट मेड इन अ जिफी, ऐसे नहीं बना लिए जाते, लोगों से बातचीत की जाती है, प्रोमिनेंट फार्मर्स जो हैं उनको कंसल्ट किया जाता है। अरे भैया ये प्रोमिनेंट फार्मर ही बता दीजिए ना कौन है, ये प्रोग्रेसिव फार्मर्स और नॉलेजेबल मंडी ऑफिशियल्स कैसे होते हैं देखने में, भैया हमको प्लीज दिखा दीजिए, एक नाम बता दीजिए, है ही नहीं सरकार के पास। अब बताइए, प्रधानमंत्री ने भी कहा था क्या, कृषि सुधार ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। आता यार मुझे नहीं पता, हर चीज तुम लोग ना मोदी जी पे डाल देते हो, गलत बात है। कहा था क्या, पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है, कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। इसीलिए हम कहते हैं आंख बंद करके विश्वास कर लेना सरकार की हर बात का। सरकार तो अपनी बातों को छुपाने की कोशिश ही करेगी, सरकार 10 तरह के एड देने के लिए कितना पैसा खर्च करती है, लेकिन अपनी नाकामियां, अपनी खामियां, अपनी गलतियां, अपना झूठ आपके सामने बताने के लिए कभी पैसा खर्च करेगी? नहीं करेगी। उनकी खामियां निकालना ही पत्रकार का धर्म हमेशा से था और है। अब आज किसी के कहने पर उसकी परिभाषा नहीं बदली जाएगी और ना ही हम बदलने देंगे। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए। आज की डेट में सिर्फ यही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो आपके सामने सच लेकर आ रहे हैं। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ सब्सक्राइब करना है इस वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना है अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को, अगर आप चाहते हैं कि उनके पास सच्चाई ज़रूर आए। और अगर आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में वो लोग भिड़ते रहते हैं भक्तों के नैरेटिव पे, तो उनको जवाब देने का इस वीडियो से अच्छा और कोई जवाब नहीं हो सकता। शेयर कीजिए, कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। सत्यमेव जयते।